दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काशीचक स्टेशन पर हो रहे कार्य को देखने वाले हैं। काशीचक स्टेशन पर क्यूल गया रेलखंड के दोहरीकरण के साथ स्टेशन को नया रूप रंग देने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस स्टेशन पर पहले सिर्फ दो ही ट्रैक थी, लेकिन अब उसको चार ट्रैक में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। इस स्टेशन पर पहले भी दो प्लेटफॉर्म थी और अब भी दो ही प्लेटफॉर्म रहेंगी, लेकिन जहाँ इस स्टेशन पर पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत कम थी, अब इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है। पहले के प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर थी, लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है उसकी लंबाई 600 मीटर के आसपास रहेगी। पहले की अपेक्षा प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी ज़्यादा की जा रही है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों प्लेटफॉर्म पर सीट भी बनाए जा रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा तो फुट ओवर ब्रिज बनाने का भी काम शुरू कर दिया जाएगा। इन सभी बदलाव को लाने में रेल कर्मी दिन रात काम करने में जुटे हुए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक लगभग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसके बीच में पहले से बने इंटरलॉकिंग बिल्डिंग आ रही है, जिसको जल्द से जल्द नए भवन में शिफ्ट करने का काम जारी है। काशीचक स्टेशन में चल रहे कार्य की वजह से अभी इस रेलखंड की ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। उम्मीद है इन सभी कार्यों के पूरा हो जाने के बाद ट्रेनों के समय में कुछ सुधार किया जाएगा। शेखपुरा से बारसलीगंज तक का दोहरीकरण का काम जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। काशीचक स्टेशन में काम पूरा करने के बाद बारसलीगंज स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर एक को तोड़कर नया प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी काशीचक स्टेशन में हो रहे कार्यों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। Thank you.